वसंत ऋतुचर्या अप्रैल 2021 के विशेष संदर्भ में ये अभी इसलिए बहुत जरूरी है कि कोरोना से देश का हाल बहुत ही खराब है और आयुर्वेदिक ऋतुचर्या के अनुसार अगर हम चलें तो हो सकता है कि कोरोना से हम अपने आप को बचा सकें। मैं डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार। ईमेल आईडी डॉक्टर डॉट पीयूष पी त्रिवेदी @gmail.com। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हर 2 महीने में आहार विहार की आदतों को बदले। ऋतुचर्या हमें यही सीख देती है कि हमें हर 2 महीने में अपनी आहार विहार की जो आदतें हैं उसको बदलना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। hindi.webdunia.com के अनुसार वसंत ऋतु चैत्र और वैशाख माह में अर्थात मार्च अप्रैल में आती है। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु आएगी, फिर वर्षा, फिर शरद, फिर हेमंत, फिर शिशिर। इस तरह से 6 ऋतुएं होती है। वसंत ऋतु की गर्मी के छल से बचें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वसंत ऋतु में गर्मी पड़ती है, थोड़ी सी दिन में गर्मी लगती है और जो गर्म प्रदेश है उसमें जैसे कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जहाँ पर अभी कोरोना बहुत फैला हुआ है तो वहाँ पर रात में भी गर्मी पड़ती है। पर इस गर्मी के छल से बचें, ये एक तरह का छल है। ठंड खत्म होते ही वसंत ऋतु शुरू होती है और वसंत ऋतु में जो गर्म किरणें सूर्य की पड़ती है वो शरीर के अंदर के कफ को पिघालती है। उसके कारण शरीर के अंदर का कफ पिघलने लगता है और ये पिघला हुआ कफ जठराग्नि को मंद कर देता है। तो ऐसे में हम बाहर की गर्मी देखकर एयर कंडीशन चालू कर दें, फ्रिज का पानी पीना चालू कर दें, और भी ठंडे पदार्थ खाना चालू कर दें, दिन में सोना चालू कर दें, ये सब चीजें अगर हम करते हैं तो उसी से कफ बहुत ज्यादा प्रकोपित हो जाता है। इसलिए जो ठंड में हमने शरीर में कफ जमा किया है, गरिष्ठ खाना खाने के कारण, ठंड में एक्सरसाइज वगैरह ना करने के कारण, तो वो जमा हुआ जो कफ है वो प्रकोपित ना हो जाए और हमें सर्दी, खांसी, जुकाम, सिर दर्द, सांस में कफ तकलीफ, इस तरह की कोई भी कफ से रिलेटेड समस्या ना हो, इसलिए कफ को कम करना बहुत जरूरी है। कफ के प्रकोप को कम करना बहुत ही जरूरी है। वसंत ऋतु में उत्तम बल नहीं होता है। ठंड में तो हमने सब गरिष्ठ भोजन खाए तब भी वो पच जाता है तो ठंड में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, पर वसंत ऋतु में मध्यम बल हो जाता है तो उसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वरना इसके कारण जो जठराग्नि मंद हो गई है और ऊपर से हम 4 बार खा रहे हैं, 2 बार नाश्ता कर रहे हैं, 2 बार भोजन कर रहे हैं या बिना भूख के भी खा रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा समस्या कर सकता है, कफ को प्रकोपित कर सकता है। वसंत में रोगों का होना निश्चित है। अष्टांग विधि में ये कहा गया है कि ये जो कफ पिघलता है शरीर के अंदर तो उसके कारण वो जठराग्नि को मंद करता है। यहाँ दवाइयाँ भी ठीक से नहीं पचती है, पचने के बाद वो असर करेगी लेकिन जठराग्नि ही हमारी मंद हो जाती है। तो अगर कफ बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो रोगों का होना निश्चित है। तो हमें क्या करना है, इसलिए कफ के प्रकोप से बचने के लिए शहद लें, काली मिर्च लें, अदरक लें, इस तरह के गर्म पदार्थ हमें लेने पड़ेंगे। अभी ठंडे पदार्थ के लिए अभी समय है, ग्रीष्म ऋतु में ठंडे पदार्थ लिए जा सकते हैं। बहुत ज्यादा जिनकी प्रकृति गर्म है, जिनको लगता है कि हमारे अंदर बहुत गर्मी है, पित्त बहुत ज्यादा है, तो वो अगर बीमार हैं, अगर उनको कफ से रिलेटेड विकृति है, कोई समस्या है, तो वो गर्म पदार्थ लें। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे काढ़े हम पी रहे हैं बिना किसी समस्या के, पर जिनको समस्या है, सर्दी, जुकाम, खांसी, उसके कारण बुखार हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, तो वो हो सकता है कि कफ का प्रकोप हो, तो उसको कम करना बहुत जरूरी है। इसके लिए गर्म पदार्थ थोड़े थोड़े लें।
में नृत्य जरूर करें। वसंत में अष्टांग हृदय में नृत्य करने का कहा गया है। नाक में जो आयुर्वेदिक तेल की बूंदें डाली जाती है, इसके अलावा पंचकर्म सेंटर में अगर जाना संभव हो तो वहां पर नृत्य का बहुत ही व्यवस्थित रूप से पंचकर्म का एक कर्म किया जाता है, तो उससे काफी लाभ होता है। उल्टी हो जाने पर चिंता न करें। इस ऋतु में वैसे तो वमन करने का कहा गया है, वासंतिक वमन। वासंतिक वमन से जो शरीर का बढ़ा हुआ कफ है वो बाहर निकल जाता है। कई बार क्या होता है कि दवाइयों से कफ कम नहीं होता है, तो वमन करवाने का कहा गया है। हालांकि जो आयुर्वेदिक वमन है वो किसी आयुर्वेद के विशेषज्ञ के निगरानी में ही करना चाहिए, परंतु शरीर की प्रतिक्रिया के रूप में अगर एक आध बार उल्टी हो जाती है तो वो कफ निकल जाता है, उसे डरना नहीं चाहिए। श्रम जरूर करें। कोरोना के काल में लॉकडाउन में जोक्स आ रहे हैं कि पत्नी बहुत सारे काम करवाती है, झाड़ू करवाती है, पोछा लगवाती है, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जो भी श्रम करेगा, चाहे स्त्री या पुरुष, जो श्रम करेंगे उनको कफ की बहुत ज्यादा होगी, कफ की समस्या नहीं होगी। जो बैठे रहेंगे उनको जरूर कफ की समस्या होगी। तो इसलिए जो भी करना चाहे, एक्सरसाइज करें, चाहे योग करें, साइकिलिंग करें, वॉकिंग करें, जो भी पॉसिबल हो श्रम जरूर करें। सबसे अच्छा है सफाई, क्योंकि घर में साफ सफाई रखने से वायरस वगैरह कम आएंगे, गंदगी कम होगी तो मच्छर वगैरह भी कम आएंगे, दूसरी सब बीमारियां भी कम आएंगी। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है घर के एक एक कोने को, हर एक चीज को हम साफ कर दें, सफाई कर दें। सफाई करने से, श्रम करने से एक और फायदा है, कफ के साथ साथ वात भी उससे कम होता है। और जहां जहां भी जुकाम है, खांसी है, वहां केवल कफ नहीं है, उसके साथ साथ वात भी है, उसको भी कम करना जरूरी है। तो इसलिए श्रम जरूर करें। श्रम से वात और कफ दोनों को काबू में लाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। पुराने गेहूं जौ आदि ले, भोजन में नए गेहूं नए जौ ना ले, पुराने जौ ले, पुराने गेहूं ले। और सर्दी जुकाम सांस लेने में तकलीफ हो तो चावल बिल्कुल ना ले, चावल भी बहुत ज्यादा कफ बढ़ाता है, और अगर लेना ही है तो बहुत पुराना चावल ले। पानी गुनगुना ले, अभी ये सीजन है वो गर्मी का सीजन नहीं है, पानी में अगर सौंठ डाल के पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सौंठ डाल सकते हैं तो गुनगुना पानी पिए, क्योंकि शरीर के अंदर जो कफ है उसको हमें कम करना है, उसको विकृत होने से रोकना है। भैंस का दूध बिल्कुल ना पिए। भैंस का दूध जो होता है वो गाय के दूध से भी ज्यादा भारी होता है, गाय के दूध से भी ज्यादा ठंडा होता है। जो बीमार व्यक्ति है, जिनको कोई कोरोना हो गया है या जो भी कफ की कोई अगर बीमारी हो गई है, तो उसको उसकी मंदाग्नि हो जाती है, उसे दवाइयां भी जल्दी असर नहीं करती है, तो दूध देंगे तो वो पचाना मुश्किल हो जाएगा और कफ बढ़ जाएगा और समस्याएं बढ़ जाएगी। तो क्या करें, दूध के स्थान पर हल्का सुपाच्य पदार्थ जैसे अदरक डाली हुई, मूंग की दाल, खिचड़ी, ये सब जरूर दें। अगर चाय की आदत है तो थोड़ा दूध कम और उसमें अदरक, दालचीनी, काली मिर्च या पिपली, ऐसा कोई गर्म पदार्थ जरूर डालें। दिन में न सोएं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये नियम है। सूर्योदय के बाद दिन शुरू हो जाता है, तो सूर्योदय के बाद जो सोते रहते हैं 8 8 10 10 बजे तक, वो कफ को बढ़ाता है। कितनी भी दवाइयां लो लेकिन अगर सोते रहते हैं तो उससे कफ बढ़ता है। कुछ लोग कहते हैं आराम करो आराम करो, लेकिन बैठे बैठे आराम करना ज्यादा अच्छा है। अगर कमजोरी है तो, कमजोरी नहीं है तो एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, श्रम करना चाहिए, पसीना बहाना चाहिए। और अगर कमजोरी जैसा कुछ लग रहा है तो बैठे रहें, सो जाने से कफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोपहर में भी सोने की जो आदत है वो सिर्फ गर्मी के लिए अच्छी है, आगे की जो ऋतु आएगी उसके लिए बहुत अच्छी है, ग्रीष्म ऋतु में, लेकिन इसमें नहीं, अप्रैल महीने में नहीं सोना चाहिए। तो क्या करें, नींद आती है तो बैठे बैठे जबकि लें। तो इस तरह से ये वसंत ऋतुचर्या का बहुत ही अच्छा जिक्र अष्टांग हृदय में दिया गया है। इसके अलावा और भी कुछ टिप्स दी गई है, जैसे बिना रुमाल या हाथ रखे खांसी छींक न खाए। तो सदियों पहले भी
इस तरह के संक्रमण की हमारे ऋषि मुनियों को जानकारी थी, तो कहा गया था कि छींक खाने के छींक अगर खाते हैं तो हाथ रखें और छींक खाने के बाद हाथों को धो लें या सैनिटाइज करें। तो आजकल जो हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा तनाव पैदा हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, रेमडेसिविर की कमी हो रही है और वेंटिलेटर्स की कमी हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, तो ऐसे माहौल में जिन लोगों को कोरोना नहीं हुआ है, कम से कम अगर वो लोग भी कोरोना से बचे रहें, इस तरह की चीज़ों का पालन करें, वसंत ऋतुचर्या का पालन करें, तो मुझे लगता है कि तनाव कम होगा, धीरे 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 परिस्थितियाँ बहुत सामान्य होती जाएंगी और बहुत बड़ा लॉस होने से हम लोग बच जाएंगे। तो घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।